ऐसे कहानी थी, बहुत पॉपुलर स्टोरी है बुद्धिज्म में, और वो स्टोरी ये है कि एक आदमी था, उसके हाथ में बड़ी मशाल थी और उसको 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पे जाना था, रात थी, तो उसकी मशाल की जो रोशनी थी वो 100 मीटर तक पहुंच रही थी। तो वो आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि 100 मीटर के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो 10 मील का रास्ता कैसे तय करेगा? 10 मील पहाड़ तो 10 मील दूर है, लेकिन उसके हाथ की जो मशाल है वो तो 100 मीटर का ही रास्ता दिखा रही है, तो मैं कैसे इसको पार कर पाऊंगा रास्ते को? तो वो बैठ गया कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बगल में एक बढ़िया सा बूढ़ा आदमी निकला और उसके हाथ में एक दिया थी, और दिए से तो मुश्किल से 2 कदम दिखाई दे रहा था, और वो आदमी बढ़ा चला जा रहा था। तो इस आदमी ने उसको रोका, अरे मूर्ख बुड्ढे, ये 10 मील पहाड़ तुझे जाना है और तुम्हें क्या लग रहा है तुम इस दिए से पहुंच पाओगे? मेरे पास तो मशाल है जो 100 मीटर दिखा रही, तभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि 100 मीटर के बाद क्या, 100 मीटर के बाद क्या, मुझे तो 100 ही मीटर दिखाई दे रहा है, मुझे 10 मील जाना है। तो उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जब मैं एक कदम आगे लेता हूं तो दिए का रोशनी भी एक कदम आगे बढ़ जाता है, तो मेरे लिए 10 मील क्या, मैं तो 100 मील आगे निकल जाऊंगा। तो यही होता है कि थोड़ा सा आपको प्रकाश दिखे, उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाओ, वरना तो बैठे रह जाओगे।